Come in. तो लेट मी गेस, अब फिर मुझसे मदद मांगने आई होंगी यहाँ, है ना? आपने हमेशा मेरी हेल्प की है किसी, लेकिन आज आपने मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी। मैं कौन होता हूँ मालनी किसी की प्रॉब्लम्स बढ़ाने या घटाने वाला? आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। किसी, प्लीज आप पूरी बात नहीं जानते। क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? मालनी, मैंने तुम्हारा साथ तब दिया था जब तुम सच्चाई और अच्छाई के साथ थी। और वैसे भी आपको याद दिला दूं, ये जो साथ था ना, इसको आपने गुड बाय कहा था, मैंने नहीं। और अच्छाई और बुराई का फैसला कौन करेगा किसी? तो आपके हिसाब से जब तक मैं बेचारी बनकर अपने प्यार की कुर्बानी दे रही थी तो मैं अच्छी थी, और अब जब मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ तो मैं बुरी बन गई। कौन सा हक मालिनी, कौन से हक की बात कर रही हो तुम? क्या सब भूल गए कि मैं आदित्य की पत्नी हूँ, वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरा प्यार है। हम किसी से प्यार करें और वो हमें दोस्त माने तो कैसा लगता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मालिनी। और एक तरफा प्यार ना सिर्फ एक तरफा हक देता है। तुम आदित्य से प्यार करती हो लेकिन आदित्य तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें उसकी खुशी चाहने का पूरा हक है लेकिन उसे पाने का हक नहीं है। तुम्हारा उसको पाना, तुम्हारा प्यार करना नहीं, तुम्हारी जिद है, तुम्हारी ऑब्सेशन। मैं लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ, सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करने आई थी कि आप प्लीज ये केस छोड़ दीजिए। हाँ, मैं ये केस छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने क्लाइंट के कहने पे, आप तुम्हारे कहने पे नहीं। क्यों, मेरे कहने पर क्यों नहीं? क्या हम दोस्त नहीं है? आप मेरी सिचुएशन और मेरे फीलिंग्स क्यों नहीं कंसीडर कर रहे केसी? क्या आप चाहते हैं कि मैं सच में जेल जाऊं? फकर जेल, ट्रायल्स के दौरान जो मेरी बदनामी होगी उसका क्या? आप चाहते हैं मैं सबके सामने मजाक बन कर रह जाऊं? नहीं, पता था आप मेरी हेल्प करोगे किसी, प्लीज। मालनी, पहले आप मेरी बात ढंग से सुन लीजिए। नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आप यहां पे मेरी मदद मांगने के लिए नहीं आई हैं, आप बल्कि हमारी दोस्ती के नाम पे हमारा फायदा उठाने के लिए आई हैं। पता नहीं क्या हो गया आपको, शायद लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना आपकी आदत बन गई है। स्टॉप इट किसी। लेकिन नहीं, मैं अब ये किसी के साथ या अपने साथ नहीं होने दूंगा, समझ रही हैं आप? What do you mean? अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि मैंने आदित्य का फायदा उठाया? मैं सिर्फ वकील हूं मालिनी, जज नहीं। और आपने जो किया है ना, उसका फैसला आपको जज सुनाएंगे, और मैं सिर्फ अपना काम करूंगा। आपको अगर अपना अच्छा खासा करियर बर्बाद करने का शौक है तो ये केस जरूर लड़िए केसी, क्योंकि कोई नहीं मानेगा कि एक औरत एक आदमी के साथ जबरदस्ती कर सकती है, उसका फायदा उठा सकती है। मैं जानता था कि आप इस बात का फायदा बिल्कुल उठाएंगी, बट यू नो व्हाट मालिनी, हमारा कानून ना इंसाफ मांगने वाले का जेंडर नहीं देखता है। और ये जो तुम नाटक कर रही हो ना मेरे करियर की चिंता करने का, ये ड्रामा प्लीज बंद करो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर तुम मेरी चिंता करती तो तुम मुझे यहां पर केस वापस लेने के लिए कभी नहीं बोलती, क्योंकि तुम जानती हो कि केसी जो भी केस लेता है उसे हमेशा जीतता है। वो देख लेंगे किसी, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्योर। गुड बाय। गुड नाइट। इमली, इमली। अरे अब क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? इमली, ये क्या है, क्या है ये? क्या हुआ, क्या ताऊजी? अब यही दिन देखना बाकी रह गया था, कोर्ट का नोटिस आया है पूरे परिवार के नाम। नोटिस? कोर्ट चाहता है कि हम सब इस केस में गवाह बन के शामिल हों। क्या, तो अब हमें सबके सामने कोर्ट में जाकर अपनी बेइज्जती करानी होगी? नहीं माँ,
अगर हमरे घर में चोरी होत रही और हम चोर के खिलाफ अगर रपट लिखाए होते तब भी तो हमका गवाह बन के जाए के पड़त रहे ना कोरे। यह चोरी रुपए पैसे की नहीं हुई है, सम्मान की हुई है, मर्यादा पर डाका पड़ा है और ये सब माँ पीड़ित बाबू साहेब और भेजती बाबू साहेब यहाँ हम सब की नहीं हुई है, उनकी हुई है जौन अपराध किए से। हमारे जिंदगी के हर पड़ाव पर मालिनी हमारे साथ थी, हर मुश्किल में उन्होंने हमारा साथ दिया, यहाँ तक कि जब उन्हें पता चला कि हम उनसे नहीं तुमसे प्यार करते हैं, वो हम तो उनके बीच से हट गए। जब पूरी दुनिया हमारे रिश्ते के खिलाफ थी, मालिनी हमारे साथ खड़ी रही। तो हम नहीं मान सकते कि मालिनी हमारे साथ इतनी घटिया हरकत कर सकती है, हम नहीं मान पा रहे। हम खुद को विक्टिम नहीं मानते, अपराध हुआ है और वो हमसे हुआ है, तो तुम कौन से इंसाफ के लिए लड़ रही होगी? ये लड़की हमारा तमाशा बनाना चाहती है, हमारी बेइज्जती करवाना चाहती है, लेकिन मैं इसे ये मौका नहीं दूंगी, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा अपर्णा जी, वरना कोर्ट की बेइज्जती करने पर हम सबको सजा हो सकती है। पंकज बिल्कुल ठीक कह रहा है अपर्णा, कोर्ट का ऑर्डर है, जाना तो पड़ेगा, नहीं तो हमें जेल भी हो सकती है। शायद इस लड़की को तभी खुशी मिलेगी जब भी अपने रास्ते का हर कांटा हटा देगी। बेटा जो तू कर रही है ना, वो मेरी समझ के तो परे है। तुझे पक्का यकीन है ना जो तू कर रही है वो सही है? आप अब तक हमारे साथ दिए सब आप, चिंता मत करिए, हम पे भरोसा रखिए। हमका बाबू साहेब और आप सबकी उतनी चिंता है जितनी माँ और बड़की काकी को है, पर हम कहा करें, सच सामने लाए का और कोनो तरीका भी तो नहीं है ना। ठीक है, अगर तुझे इतना ही यकीन है तो मैं तेरे साथ हूं। थैंक यू। जी देसाई सर जी, नहीं मैं बात तो समझ रहा हूं, लेकिन हाँ मामला तो पेचीदा है, बट ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। पापा इमली को केस वापस लेने को कहिए ना। क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? तुमने तो कहा कि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है। फाइनली सच बोलना चाहती हो? मैं सच ही बोल रही हूँ पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, गलत तो इमली ने किया है। मैं अपने लिए नहीं, मैं त्रिपाठी इसके लिए डर रही हूँ, आदित्य के लिए डर रही हूँ, कहीं गलत केस करने की वजह से उन्हें सजा ना हो जाए। रियली मॉम, यू नो व्हाट, मैं इमली से वैसे ही बात करने वाला था, तुम्हारे कुछ कहने से पहले उससे रिक्वेस्ट करने वाला था कि ये केस वापस ले ले, नॉट बिकॉज मुझे लगता है कि तुम निर्दोष हो, क्योंकि बेटा इस कमजोर बाप का दिल और भी ज्यादा कमजोर है। मैं नहीं देख सकता ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जिससे तुम गुजर रही हो। मालूम, मैंने उम्मीद की थी कि तुम समझ जाओगी, मेरे कुछ
कहने करने से पहले, लेकिन नहीं, तुम अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हो। पापा मालू देव प्लीज आप अपना भाषण अपने पास ही रखिए। आपको उस नौकरानी को रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये केस डिसमिस ही हो जाएगा। कैसे वो? मैंने कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं कि वो त्रिपाठी इस कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे हिम्मत रखिए राधा जी, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। शांत, यही वो घटिया आदमी जिसने उस लड़की पर झूठा केस लगाया है। आप पूरी बात नहीं जानते, बकवास मत कीजिए। तो खुद ने लड़की का फायदा उठाया, ऊपर से उसी पे केस हो गया। इसका तो मौका लगा देना चाहिए। नहीं, कैसी माँ ने ऐसे बेटे को पैदा किया होगा? अरे ये पूरा परिवार ही बेशर्मों का परिवार है। किया लोगों को तो घर से भी बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। परिवार के बारे में आदि रोक। क्या मतलब है अभी तक नहीं आए? जिन्होंने केस दर्ज किया है वही सुनवाई के लिए नहीं आए? मिस्टर चौहान, आपके क्लाइंट कहाँ हैं? योर ऑनर, आई एम रियली सॉरी, आप बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, वो लोग आते ही होंगे। योर ऑनर, एक तो पहले ही एक मनगढ़ंत केस बनाकर कोर्ट का वक्त जाया किया है और अब टाइम से हियरिंग के लिए भी नहीं आया। मैं आपसे अपील करूंगा, इस केस को अभी के अभी डिसमिस किया जाए। तुम कहाँ हो इमली? गुड़िया तू कहाँ रह गई? हे सीता मैया, वो कोनो मुसीबत में ना हो। ना तो ये कचेरी है ना ही आप लोग जज हैं, तो फिर फैसला काहे सुनावत है? और आप लोगों को कैसे पता कि कौन निर्दोष है और कौन अपराधी है? बस कौनों की कही बात सुन के विश्वास कर लिए हैं और यहाँ आ गए हमारे परिवार को ताना मारे खातिर। किस दुनिया में ऐसा होता है कि किसी लड़की ने किसी लड़के का फायदा उठाया? यही दुनिया माँ, यही दुनिया माँ, यही देश माँ, यही समाज माँ। और आप लोग नहीं कैसे भूल गए कि अगर ये दुनिया में सीता मैया है ना, तो साथ साथ सूर्पनखा भी है। आप लोग जानते हैं बस ये बेनाम भीड़ के कारण कितने पीड़ित घर में छुप के बैठे हैं? कब वो अपराधी का नाम भी नहीं लेते? हम आपसे पूछते हैं कि आप कौनों के खाते न्याय मांगने आए हैं? हमका न्याय की देवी के घर जाए से रोककर आपको कौन सा न्याय मिली है? क्या न्याय मांगे हैं आप? ये भीड़ में खड़े होकर कौनो पे इल्जाम लगाना ना बहुत आसान होता है। काहे कि भीड़ का कौनो नाम नहीं होता, कौनो चेहरा नहीं होता, कौनो जिम्मेदारी नहीं होते। पर भीड़ से निकलकर सामने आकर अकेले ये कहना कि हमारे साथ गलत हुआ है, ये बहुत मुश्किल होता है। और जब भीड़ की कौनो जिम्मेदारी नहीं होते तो कौनो अधिकार भी नहीं होते। हटिए हमरे रास्ते से, हटिए। ए इमलिया, ये भीड़ नहीं, सब कोई भेड़ है और भेड़ लोगों का सही चाल चलावा हमका अच्छे से आवत है।
चलो हटो, तुम लोग हटो। इका तो हम देखा थे, इका हट हट हट। अरे अरे क्या कर, ए हट हट यहां से, हट हट अब यहां से, हट। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे इनको हम देखा थे, चल हट, नहीं हम सब गुड़ का गोबर कर दे। हां हट। अरे संभालो, इन्हें मार देगी सबको। योर ऑनर, आई एम रियली सॉरी। अगर ये कोई भी और केस होता तो मैं आपकी सारी बातें मान लेता सर, बट ये केस बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और आप जानते हैं कि अक्सर ऐसे सेंसिटिव केसेस में विक्टिम का कोर्ट तक पहुंचना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। योर ऑनर, हो सकता है कि मेरे क्लाइंट के साथ कोई जोर जबरदस्ती हो रही है, उनको यहां पर आने से मना किया जा रहा हो, रोका जा रहा हो। योर ऑनर, आफ्टर ऑल ये केस एक बहुत बड़ी फैमिली की बेटी के अगेंस्ट है, तो क्या अब शहर के नामी और इज्जतदार फैमिली से होना भी गुनाह है? जब मिस्टर प्रोसिक्यूटर और उनके क्लाइंट ही इस केस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो कोर्ट अपना वक्त जाया क्यों करे? अनफॉर्चुनेटली मुझे डिफेंस की बात सुननी ही पड़ेगी। मिस्टर चौहान, आपके क्लाइंट अभी तक आ नहीं पाए हैं, कोर्ट आधे घंटे से सेशन में है, हम और इंतजार नहीं कर सकते। रुकिए जज साहब। सब हम देर से आए के खातिर बहुत शर्मिंदा है, सॉरी। तुम लोगों को आने में इतनी देर कैसे हो गई इमली? ही लड़ाई लड़े से पहले कौन और लड़ाई लड़े थे किसी चीज़? सॉरी, डैम इट। इतनी भीड़ भेजी थी मैंने, फिर भी ये लोग यहाँ पहुँच गए। पता नहीं अब क्या होगा मॉम। डोंट वरी बेटा, मिस्टर देसाई इस केस को अपने तरीके से रफा दफा कर देंगे। Just wait and watch. Your Honor, मैं साबित करूंगा कि मालवीय चतुर्वेदी ने मिस्टर आदित्य कुमार त्रिपाठी को ड्रग करके, फिर उन्हें नशे में धुत करके उनका फायदा उठाया और उनकी मर्जी के बगैर उनके साथ रात बिताई। Your Honor, प्रोसिक्यूशन ये साबित करना चाहती है कि एक औरत एक मर्द के साथ जबरदस्ती कर सकती है। ये बात सुनने में जितनी ही वाहियात है, इसे साबित करना उतना ही नामुमकिन। योर ऑनर, मालनी चतुर्वेदी निर्दोष है, इनफैक्ट उनके साथ ही जबरदस्ती हुई है और इसी बात को साबित करने के लिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कटघरे में गवाहों को बुलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं इस परिवार के सबसे सीनियर मिस्टर हरीश त्रिपाठी को बुलाना चाहूंगा। आइए हरीश। हाँ तो हरीश जी, आप अपने शब्दों में बताइए कि उस रात आखिर हुआ क्या था? पता नहीं कैसे पर फैमिली के सभी लोग नशे में थे। हाँ, नशे में थे, पर हुआ क्या था? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जब सुबह उठे तो पता चला कि इन्हें पता नहीं था। हरीश, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर आदित्य कुमार त्रिपाठी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।